दर्शकों, अब भारत भूटान सीमांत शहर जयगांव में नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वालों की खैर नहीं। नमस्कार दर्शकों, आप सभी के समक्ष विजुअल साझा करते हुए दिखाना चाहेंगे कि जयगांव पुलिस प्रशासन, जयगांव ट्रैफिक पुलिस ने अब कमर कस लिया है ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ, क्योंकि जयगांव में अधिकांश समय और शाम के समय एक्सीडेंट होते हुआ नजर आ रहा है और इनमें से कहीं ना कहीं ड्रिंक एंड ड्राइव प्रमुख वजह देखा जा रहा है। आपको पता होगा कि जयगांव के सड़कों पे गाड़ियां चलती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से लेके छोटी छोटी गाड़ियां चलती हैं और इनमें से काफ़ी सारी जो गाड़ियां होती हैं वो भूटान से होकर निकलती हैं। और आपको पता होगा काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पड़ोसी मित्र देश भूटान में जाते हैं, नशा करते हैं, शराब सेवन करते हैं और उसके बाद फिर जैसे ही अंधकार होता है वापस भारत जयगांव में चले आते हैं। और इनमें से काफ़ी सारे जो वाहन होते हैं, वाहन चालक होते हैं, वो नशे में धुत होकर गाड़ी चलाते हुए नज़र आते हैं और इनमें से काफ़ी बार सड़क दुर्घटना में काफ़ी लोगों का मृत्यु भी हो जाता है। हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा कि गुम्बा रोड के नज़दीक भी काफ़ी सारे एक्सीडेंट हुआ था। हाल फिलहाल में एक सज्जन व्यक्ति जो बाइक से जा रहे थे उनका भी एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गया। ऐसा ही काफ़ी सारी घटनाएं जयगांव में, जयगांव की सड़कों पे हो रही हैं और इस तरह के हादसों के पीछे कहीं ना कहीं ड्रिंक एंड ड्राइव मुख्य वजह माना जा रहा है। और दर्शकों, अब जयगांव पुलिस प्रशासन इन जैसे ड्राइवर के खिलाफ, इन जैसे वाहन चालकों के खिलाफ अभियान चला रही है। इस जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई भी किया जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि शाम के समय जाके भूटान में जाके मौज मस्ती कर लें, थोड़ा बहुत नशा कर लें और उसके बाद रात होते ही जयगांव वापस चले आएं, भारत में वापस चले आएं, तो आपके लिए ये दृश्य दिखाना चाहेंगे कि आप अगर नशे में धुत होकर वाहन चलाते हुए पाया जाता है, आपको ड्रिंक एंड ड्राइव के दोषी पाया जाता है, तो आपके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित है, जरूर होगी। और ये दृश्य आप सभी को इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप सुधर जाएं, अन्यथा जयगांव पुलिस प्रशासन, जयगांव ट्रैफिक पुलिस आपको बख्शने वाली नहीं है, आपको छोड़ने वाली नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा, जयगांव मिरर्स टीम ये कहना चाहेगी कि जयगांव पुलिस प्रशासन, खासकर जयगांव ट्रैफिक ओसी राजीव ओझा जी को धन्यवाद देना चाहेंगे और अपील करना चाहेंगे कि इस तरह का अभियान निरंतर चलाया जाए, दिन प्रतिदिन चलाया जाए, ताकि जयगांव में जो सड़क दुर्घटना हो रहा है उसकी रोकथाम की जा सके। और साथ साथ में सभी से यही अपील करना चाहेंगे कि नशे में धुत होकर वाहन ना चलाएं और आप सभी सतर्क रहें, जागरूक रहें।